नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सपना कविता पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी मीनिंग भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसे मैं इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी अपने इस कविता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्या दृष्टि। महल में रहकर भी देखा उन्होंने भारत का वह महायुद्ध। व्यास मुनि के सपने को बियर्ड ने सच कर दिया, घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। लियो द विंसी का सपना, मनुपुत्र विचराता है नभ में। राइट बंधु ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा डाला। घर घर में हो दिवाली और रात ना रह जाए काली, सपना तो यह हम सब का था, एडिसन ने सच करा दिया। हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो, वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नवजीवन हो नई आशा हो। तुम देखो सपने नए नए, अब्दुल कलाम ये सिखलाए, तुम राह दिखाओ नई नई, वैज्ञानिक मंजिल तक लाए। तो अब मैं आपको इस कविता के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ। तो ये कविता लिखी गई है प्रभा माथुर के द्वारा। तो इस कविता की कवित्री प्रभा माथुर है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कविता का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला वाला पैराग्राफ, व्यास मुनि ने सपना देखा, संजय को दी दिव्या दृष्टि, महल रहकर भी उन्होंने देखा भारत का वह महायुद्ध। तो इस पंक्ति की यह मीनिंग है कि जो व्यास मुनि ने सपना देखा था कि अब उनके पास तो टाइम मशीन थी नहीं कि वो पिछले समय में जाके वो महायुद्ध देख लें भारत का। तो जैसे आजकल टीवी होता है उसमें हम लोग कभी भी किसी भी समय का देख सकते हैं, है ना। तो जैसे कि अगर कोई कार्टून आज से 2 महीने पहले बना है तो वो हम लोग 2 साल के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन पहले के समय में तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये व्यास मुनि का सपना था कि वो एक ही जगह पर अपने महल में ही बैठे सब कुछ देख सके। तो उन्होंने संजय को दिव्या दृष्टि दे दी ताकि वो भारत का वह महायुद्ध देख सके। संजय ने अपनी दिव्या दृष्टि से उस महायुद्ध को देखा और उसमें जो कुछ भी हो रहा था वो सब व्यास मुनि को बता रहे थे। तो अब दूसरे पंक्ति में व्यास मुनि के सपने को बियर्ड ने सच कर दिया, घर बैठे ही हम सबको दुनिया का दर्शन करा दिया। मतलब जो व्यास मुनि ने सपना देखा था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको बियर्ड ने टीवी बनाकर सच कर दिया। बाद में मैं आपको सबकी फोटोज भी दिखाऊंगा। तो घर बैठे ही हम लोग एक ही जगह अपने घर पे बैठे ही दुनिया का दर्शन कर सकते हैं टीवी, लैपटॉप, फोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉचेस पे, और भी पता नहीं कौन कौन से डिवाइसेस पे। तो अब तीसरा पैराग्राफ है, लियो द विंसी का सपना, मनुपुत्र विचराता है नभ में। राइट बंधुओं ने सचमुच दे पंख हवा में उड़ा डाला।
तो इस पंक्ति की ये मीनिंग है कि जो लियो द विंसी का सपना था कि इंसान नभ में उड़ सकते हैं, वो सपना राइट ब्रदर्स यानी कि राइट बंधुओं ने सच कर दिया। और जो हवाई जहाज उन्होंने बनाया था लियो द विंसी ने, वो भी बहुत अच्छा था, पर वो बस उड़ नहीं सकता था, पर राइट बंधुओं ने उसे सचमुच दे पंख उड़ा दिया। अब यह चौथा पैराग्राफ यानी कि चौथी पंक्ति, घर घर में होनी दिवाली और रात ना रह जाए काली, सपना तो यह हम सब का था, एडिसन ने सच कर दिया। तो इस पंक्ति की यह मीनिंग है कि घर घर में जब दिवाली होती है तो क्योंकि तब तो बल्ब्स या फिर लाइट्स नहीं इन्वेंट हुई थी, जो आजकल हर बिल्डिंग्स में लटकी हुई रहती है, वो तब नहीं इन्वेंट हुई थी, इसीलिए रात ज़्यादातर काली रह जाती थी क्योंकि दीपक से तो आप पूरी रोड पे तो लाइट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ज़्यादातर रात काली ही रह जाती थी। यानी कि अगर 100% का हम लोग पूरी दिवाली दें तो उसमें से मुश्किल से 10-20% ही लाइट होती थी, बाकी के 80% डार्कनेस ही होती थी। तो ये जो सपना था कि अंधेरा नहीं रहे दिवाली पर, ये तो हम सब का सपना था, पर एडिसन ने सचमुच बल्ब इन्वेंट कर इसे सच कर दिया। तो अब फिफ्थ पैराग्राफ पे, रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिले नई काया हो, वैज्ञानिक करते हैं प्रयास, नव जीवन हो नई आशा हो। इस पंक्ति की यह मीनिंग है कि जब इंसान बीमार थे, सब लोग बीमार होते थे, बहुत बेकार और मुश्किल वाली बीमारी होती थी, तब तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और जीवन को दवाइयों से बचा लिया। और अब ये लास्ट और सिक्स्थ पैराग्राफ, तुम देखो सपने नए नए, अब्दुल कलाम उन्हें सिखलाए, तुम राह दिखाओ नई नई, वैज्ञानिक रास्ते पर लाए। तो इस पंक्ति की ये मीनिंग है कि हम लोग जो नए नए सपने देखते थे, हम लोग जो नए सपने देखते ही नहीं थे बल्कि अभी भी देखते हैं, तो हम लोग जो नए सपने देखते हैं, हमारे देश के महान साइंटिस्ट ने जैसे कि अब्दुल कलाम ने हमें नए नए सपने देखना सिखाया, और हम जो नए नए सपने देखते हैं उनको साइंटिस्ट सचमुच सही कर देंगे। वैसे तो हम भी अपने सपनों को खुद से सच कर सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ी मेहनत और हार्ड वर्किंग की जरूरत होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग भी हार्ड वर्किंग करोगे, और ये भी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।